السلام علیکم. جی تمام سسری ہدایت اللہ لوہار گم تھل استاد ہدایت اللہ لوہار جی دی ایں وی ایم پی فورم جی کوآرڈینیٹر. اج مجھے لائیو اچھن جو مقصد یہ آئے تو جو 3 اگست 2018 تے ڈسپیئرنس ڈے جو دنیا میں ملہائے پہ ویندو آئے یعنی ایکڑی مذمت کئی ویندی آئے ڈسپیئرنس ڈے جی त उन तहत मां ॻाल्हाइणु पई चाहियां ऐं अॼु मां माज़रत कंदसि त मां उर्दू लैंग्वेज इस्तेमालु कंदसि त जीअं मुंहिंजो आवाज़ु दुनिया में किथे बि वेठल माण्हू हर कुंड कुड़िश में मूंखे ॿुधी सघे. जैसे कि मैं ससुई हिदायत अल्ला लोहार एक उस्ताद की बेटी हूँ जो 17 अप्रैल 2017 को गुम किए गए हैं स्कूल से, और मैं VMP फोरम की वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स फोरम की कोआर्डीनेटर हूँ. आज मेरे लाइव आने का ये मकसद है कि जिन लोगों के पास हम जा नहीं सकते, जिनके लोग गुम हैं, जो लोग हमसे दूर हैं, जो फैमिलीज जिनके लोग और उनके प्यारे हमसे उनसे गुम किए गए हैं और वो उनके लिए एक आवाज़ नहीं उठा सकते, मैं उनके लिए लाइव आई हुई हूँ ताकि वो मुझे सुने. और जो लोग इतने सालों से जो जो लोग 8 साल से गुम हैं, जो लोग 4 साल से गुम हैं, जो लोग 2 साल से गुम हैं और उनकी फैमिलीज उम्मीदें छोड़ कर बैठ गई हैं और नाउम्मीदी कायम कर ली है उन्होंने कि हमारे लोग वापस नहीं आ सकते, तो उनको मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि यह 30 अगस्त 2018 वो दिन है जिस दिन गुम किए हुए लोगों के लिए पूरी दुनिया उठ सकती है, हम उठ सकते हैं, आप उठ सकते हैं. ना फकत मेरे एक वालिद गुम है बल्कि यहाँ पे बहुत सारी बेटियाँ हैं जिनके वालिद गुम हैं, और यहाँ पे बहुत सारी बेटियाँ और बहनें हैं जिनके भाई गुम हैं, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके घर वाले उनके शोहर उनसे गुम हैं. मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि वो लोग जो के सिंधी हैं नहीं, लेकिन जो सारे लोग केपी के लोग हैं, पश्तून भाई हैं, बलोच भाई हैं, और जो भी शिया हैं और जिस मज़हब से वाबस्ता हैं या जिस कम्युनिटी से वाबस्ता हैं, मेरा ये मकसद है कि जो भी इंसान यानी इंसान के बिहाफ पे, इंसान के तहत के जो भी दुनिया से, पाकिस्तान से, सिंध से जो लोग भी गुम हैं, उनके लिए नाउम्मीद ना हो बल्कि आप एक आवाज़ बने, उनके लिए उठें, आप फैमिलीज उठें, और फैमिलीज़ की सपोर्ट में जो पड़ोस वाले हैं, जो उनके हमदर्द हैं, उनके लिए और कुछ नहीं कर सकते तो आप उनके लिए उठें. 30 अगस्त 2018 को जो कराची प्रेस क्लब पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं मिसिंग पर्सन डिसअपीयर्स पीपल के लिए, जो लोग हमारे रियासत ने उठाए हैं उनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप एक आवाज़ बने और आप सारे उसके लिए एक बुलंद आवाज़ उठाएं ताकि रियासत को और इस हुकूमत को पता चले कि इस मुल्क में आप जो दूसरे मसाइल इंसान के रहने के, रिसोर्सेज के या उसकी ज़रूरतें जो हैं उनके मसाइल पे ध्यान दे रहे हैं, बल्कि उस मुल्क में इंसान ही नहीं रहेंगे या इंसान ही ख़त्म होते जाएंगे, तो वो जो आप फैसिलिटीज़ उन्हें मुहैया करना चाहते हैं वो हमारे काम की नहीं रहेंगी. जो आप डैम हमारे लिए बनाना चाहते हैं वो पानी पीने के लिए लोग नहीं रहेंगे, या जो जॉब्स आप देना चाहते हैं लोगों को वो जॉब करने वाले नहीं रहेंगे, या जो आप सहूलतें हमें फराहम करना चाहते हैं अगर हम ही नहीं रहेंगे या हमारे प्यारे ही नहीं रहेंगे, तो हमें नहीं लगता कि वो मसाइल हमारे लिए इतने मायने रखते हैं जितना ये मसला है डिसअपीयरेंस का, जो कि हर एक घर से पहले पीपी की हुकूमत में एक बंदा उठाया जाता था, अब नई हुकूमत में एक घर से 3 बंदे उठाए लिए जाते हैं. इसका मिसाल मैं VMP की डिप्टी कन्वेनर सिंधु अमान चांडियो के घर का दूंगी. आधी रात को 1 बजे को उसके घर पे चढ़ाई करते हैं रियासती इदारे, और उसके वालिद को, उसके भाई को, उसके कज़न को उठा के लेके जा रहे हैं. अभी उनके वालिद को रिहा किया गया है, लेकिन एक घर से जो आप 3 लोग उठाते हैं
आप ये नहीं सोचते कि पीछे वाले लोगों के लिए क्या अजियत होगी और कौन सी वो ज़िंदगी गुजारेंगे। आप तो एक इंसान उठा के लेके जा रहे हैं, लेकिन पीछे जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो ना सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, ना सुकून से अपने घर चला सकते हैं, ना ही किसी काम में उनका दिल लगेगा, यानी उनकी ज़िंदगियां भी आप ख़राब कर रहे हैं। ये जो डिसअपियरेंस का केस है, मैं पूरी दुनिया को, पूरी आलमी जो इदारे हैं या ह्यूमन राइट्स हैं, मैं उन सबको अपील करूंगी कि सिंध में या पाकिस्तान में डिसअपियरेंस का ये जो इशू है बहुत सालों से चलता आ रहा है, आप हमें सुने। जिसके भी हाथ में जो चीज़ है, अगर ह्यूमन राइट्स या ह्यूमन के राइट्स हुकूक आप दिला सकते हैं तो हमें दिलाएं। हम बहुत सालों से अपने प्यारों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। दुनिया भर में कई लोग हैं जो कि डिसअपियरेंस हैं। मैं उन सब के लिए अपील करती हूँ कि जो भी लोग डिसअपियर हैं उनकी मदद की जाए, उन्हें रिहा किया जाए। हमारे मुल्क में जो भी लोग हैं उनके एक राइट्स होते हैं, उनके हुकूक होते हैं, उस तहत हमारा भी एक हक है कि हमारे जो वालिद गुम है या किसी और के घर से कोई भाई गुम है या उसका हस्बैंड गुम है, उनको फुल राइट है कि वो उनकी तलाश करें और रियासत से और हुकूमत से सवाल करें, क्योंकि ये मुल्क और ये रियासत फ़कत अवाम के बिहाफ पे चलता है। ये हर चीज़ की हम टैक्स पे करते हैं। इस मुल्क को चलाने वाला ये अवामी है। हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं हमें दिए जाएं, और हमारे जो लोग गुम किए गए हैं उन पे इल्ज़ाम लगते हैं कि ये या तो मुल्क गद्दार हैं या किसी एक्टिविटी में मुलव्वस हैं। तो मैं उन सबको ये जवाब दूंगी, भाई जिनके जहन में ये सवाल आते हैं कि कुछ इन्होंने किया होगा तभी इनको उठा लिया गया है, तो मैं उनके लिए ये बोलूँगी कि ह्यूमन राइट्स के बिहाफ पे इंसानी हुकूक होते हैं। अगर मैंने जुर्म किया है या अगर आपने जुर्म किया है तो बिल्कुल उसके लिए एक सज़ा होती है, जो कि आप कोर्ट में उसको प्रूव करके आप उसको सज़ा दें। ऐसे एक निज़ाम चलता है सीक्वेंस में जिसको चलाना पड़ता है। बाकी किसी को गुम करना ये किसी कानून में नहीं है, ना ही किसी मुल्क में है। तो मैं पूरे आलमी इदारों को, इंसानी हुकूक को, जो भी लोग हैं जिनके जो भी मिसिंग पर्सन्स हैं, जो गुम किए गए हैं रियासत के हाथों से, मैं अपील करूंगी कि उनको रिहा करवाने में हमारी मदद करें। मेरे वालिद को 17 मंथ हो चुके हैं, उसकी कोई खबर नहीं है। इंसानी हुकूक का जो दिन मजम्मत के तौर पर यहाँ पे यानी कि जाहिर किया जाता है, उस पर प्रोटेस्ट किए जाते हैं मुल्क भर में, तो पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को मैं ये बोलूँगी कि हमारे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मिसिंग हैं, हमारी भी बहुत सारी फैमिलियां हैं जो कि अपने प्यारों के बगैर ईदें गुजार रही है, इलेक्शन के दिन गुजार रहे हैं, आज़ादी के दिन गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे प्यारे अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनके इंतज़ार में हम बैठे हुए हैं नई हुकूमत को। एक मिसिंग पर्सन्स का जो मेजर इशू है और बहुत सेंसिटिव इशू है, किसी की जान का मसला है, किसी की ज़िंदगी का मसला है, ये बहुत अहमियत रखता है। आप इन पे तवज्जो दें और इस मसले को हल करें। और मैं शुक्रगुजार हूँ सभी इंसानों की, ख़ास करके मैं ख़ास करे मां सिंधी भाइरन कौम परस्तन ऐं कारकुननि जी थोराइती आहियां, छो जो शुरू खां वठी जॾहिं असां अकेला रोडनि ते निकिता हुयासीं त असांखे फ़क़ति सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ हमदर्दी ऐं सहारो सिंधियुनि जो ई आहे ऐं उन्हनि जो ई मिलियो आहे, ऐं हींअर बि उन्हनि जो ई मिले पियो। मां कोशिशि कयां थी त मूंखे हमदर्दी पूरे मुल्क मां ऐं हर उन माण्हू मां मिले जिन माण्हुनि खे असां ॾा नफ़रतूं भरियल आहिनि त हीअ सिंधु क़ौम आहे, असां हिननि सां हमदर्दी न कयूं या सिंपती न कयूं। तो मैं उन सबको अपील करूंगी कि जो भी लोग हैं एक इंसान के बिहाफ पे, यानी इंसानियत का ये मसला समझ के आप उसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर आप दूसरों के साथ जुल्म हो रहा है उसके लिए आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो कल को आपकी किस्मत में ये नहीं होगा कि आपके साथ नाइंसाफी हो जाए।
और मतलब आप किसी के इंसाफ के लिए नहीं उठ रहे तो आप भी कल अकेले ही हो जाएंगे। आपके साथ नाइंसाफी होती है तो आप किसी से तवक्को और इंसाफ की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि आपके ज़मीर ने आपको अलो नहीं किया कि आप किसी की इंसानियत को समझो और किसी के हालात को समझो। मैं अपील करूंगी कि सारी नफ़रतें और अपने दिलों से बुक्स निकालें और अना जो है या ऐसी कोई चीज़ें जो आप रखते हैं वो सारी निकाल के एक इंसानियत पे आएं, एक इंसान समझ के इंसानियत के बिहाफ पे किसी की ज़िंदगियां बचाना। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी आप लोगों की कि अगर आप हमसे सिंपैथी कर रहे हैं, सिर्फ ना फ़कत मुझसे आप सिंपैथी करें, मैं उनसे आपको कह रही हूँ सिंपैथी करें। वो लोग जिनके घर नहीं चलते, हमें तो मेरे हमारे वालिद ने पढ़ाया, एजुकेशन फराहम किया है हमें, हम अपनी ज़िंदगी सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो फाइनेंशियली क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं और पावर्टी के केसेस उनके सामने आ रहे हैं, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए पीने के लिए कुछ नहीं है, तो उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा जो अपने लोगों को ढूंढेंगे। आप हुकूमत को ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वो आप मेजर जो है रोल अदा करने वाला किरदार आप एक घर से उठा रहे हैं जो कमा भी रहा है और अपनी बूढ़ी माँ को चला रहा है, अपने बूढ़े बाप को चला रहा है। वो सहारा आप उनसे छीन लेंगे तो उनके घर कैसे चलेंगे? वो तभी इस दुनिया से जा रहे हैं और कोई गम उनको नहीं मारता। ये जो आप उनके साथ हशर करते हैं, उनके प्यारे उठाते हैं जो कि उनके पूरे घर चलाते हैं, वो 70-80 साल के बूढ़े या 50 साल के बूढ़े, उनकी डेथ क्यों हो जाती है? उनको सिर्फ और सिर्फ यही गम मारता है जो आप रियासत उनको देके जाते हैं कि वो इस उम्र में अपने कंधों पे इतना बड़ा बार नहीं उठा सकते कि अपने नौजवान बेटे कत्ल किए हुए वो अपने सामने देखें, या अपने पड़ोस के वो नौजवान बेटे कत्ल करके आप जो फेंकते हैं लाशें वो उनको देखें, उनमें इतनी उतना दम नहीं होता जो वो इस उम्र में वो सहें। मेरी दादी को कोई तकलीफ़ नहीं थी। हम समझते हैं ये पूरा एक आपका निज़ाम है जो आपने इंसान को, भले आप जाहिर हो के उसको तशद्दुद ना दे, मेरे वालिद को उठा के आपने ये मेरे वालिद को सज़ा नहीं दी है, ये आपने हम सबको सज़ा दी है। मेरी दादी जो कि उनका इंतकाल हो गया 14 दिसंबर को, उनको और कोई गम नहीं था, मेरे वालिद का गम था जो कि आपने दिया। और हमारी ज़िंदगियां जो कि सफ़र कर रही हैं और रुकी हुई हैं, हमें फाइनेंशियली मसला नहीं है, हम कमा सकते हैं, हम बेटियां हैं, हमें हमारे वालिद ने हमें इतना एबल किया हुआ है कि हम अपनी फैमिली का सहारा बन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं होता। खुदा रहा उनका, सोचें आप, रियासत को और इस हुकूमत को, ये उनका फ़र्ज़ है क्योंकि हम इस मुल्क के शहरी हैं, उनका पूरा फ़र्ज़ है कि वो फैमिलीज़ विज़िट करें और उनके मसाइल हल करें। हर कोई लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते, हर किसी फर्द के पास जॉब्स नहीं होती। हमारा निज़ाम इतना अच्छा नहीं है जो कि हमारा एक कमाने वाला जाए और पीछे जो बैठे हुए हैं लोग उनको जॉब्स मिल जाएं और वो कमा के घर चलाएं। हमारा निज़ाम आप देख रहे हैं, ना तो हमें कोई फैसिलिटीज़ मिली है, यानी आप एक मेन रोल हमारे घर से उठा रहे हैं और पीछे जो हशर हो रहा है उसके जिम्मेदार सारे आप हैं। ये जो नफ़रतें पैदा हो रही हैं वो हमारी दिल में हमारे वालिद ने पैदा नहीं की है। नफ़रत की रियासत ऐसी है, हमने अपने वालिद के मुंह से कभी भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें नहीं सुनी जो किसी के खिलाफ हो। हाँ, बाकी ये हमने बिल्कुल सुना है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, आपके सामने हो रही है, तो उसके लिए आप आवाज़ उठाएं, जो कि हम कर रहे हैं, और हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है और हम उसके लिए अपना आवाज़ उठा रहे हैं। और अपना नहीं, हम दूसरों का भी आवाज़ बनेंगे और हम उठाएंगे। और हमें मालूम है इसमें हमें बहुत सारी रुकावटें भी आ सकती है, लेकिन इंसान का ज़मीर होता है जो कि हमें अपना ज़मीर अलो नहीं करता कि हम जो है अपने हक की बात नहीं करें, हम अपने हक की बात करते आएंगे। इससे बेहतर है इस रियासत को समझना चाहिए कि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, ये मैं एक नहीं हूँ जिसके वालिद गुम हैं, बहुत सारे लोग हैं और इस मुल्क में गुम किए हुए अफराद और उनके लाश मिलना ये बहुत बड़ा जुल्म है एक किस्म का, उस पर गौर किया जाए।
अगर पाकिस्तान गौर नहीं कर रहा तो मैं उन सारे मुमलिक का अपील करूंगी कि खुदा एक नज़र यहाँ पे भी डालें। गुर्बत के मसले और घरेलू जिंदगी के मसले और बाहर के मसले बहुत शामिल होते हैं और ये बहुत इस मुल्क में और भी बहुत सारे मसले हैं जिनको हम रोज़ फेस करते हैं। ये हाथ के बनाए हुए मसले हमारे ऊपर नहीं डाले जाएं, खुदारा हम पे रहम किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मसले हैं जो कि हम हर रोज़ हर दिन हर वक्त फेस करते हैं और ज़बरदस्ती आप गुम गुम करके लोगों को और ये मतलब ना चाहते हुए भी आप उनके लिए मसले पैदा कर रहे हैं। उन पे आप सोच ये सिर्फ और ये आपकी पॉलिसीज़ का हल नहीं है कि आप लोगों को उठाएं और यहाँ पे अमन परस्त लोग रहे, उनको अमन से रहने दिया जाए। और इंसानियत अगर किसी में ज़िंदा है तो उसको उस इंसानियत को ज़िंदा रहने दें। आप उनकी ज़िंदगियां में मसले पैदा करके वो बची हुई इंसानियत आप उनसे ख़त्म नहीं करें। किसी भी मुल्क का किसी भी निज़ाम का ये सलूशन नहीं है कि आप अपने मुफाद के खातिर या आप अपने मकसद के खातिर उस इंसान को उठा के गुम करें जिस पे ना कोई जुर्म है, ना कोई उसने क्रिमिनल एक्टिविटी की है, ना किसी ने ना उसने किसी का कत्ल किया है, यानी उसने किसी को कोई नुकसान नहीं दिया है। पर उन लोगों को उठाना आप बंद करें। हम बार बार आपसे यही अपील करेंगे कि इंसानों की दिलों में नफरत पैदा करना बंद करें। और मैं अपील करूंगी सबसे कि 20 अगस्त 2018 को आप सब एक आवाज़ बने और गुम किए हुए अफराद के लिए एक सवाल उठाएं कि ये लोग कहाँ हैं। और मैं अपील करूंगी नई हुकूमत से कि ये पहला जो 30 अगस्त को 2018 को ये जो पहला डिसअपियरेंस डे यहाँ पे नई हुकूमत में आएगा तो उसके तहत उनको एक्शन लिया जाए और जो भी गुम किए हुए लोग हैं जो रियासत ने उठाए हैं उनको रिहा किया जाए ताकि उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर सकें। और मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ और अपील करूँगी कि आप हम सबको ज्वाइन करें। एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।